भाई से हटा दिया गया, ठेके से निकाल दिया गया। ये अब कहाँ जाएंगे, 600-700 लोग हैं और कई हजार परिवार रोटी चल रही है, कई हजार लोगों की रोटी चल रही है कहीं से। ना हमें प्रदर्शन देने का कोई शौक है, हमें अपना रोजगार चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। शहर पहले ही इतना नरक है ना, जब से ये सरकार आई है कहीं कोई सफाई नहीं है। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ नवीन कुमार। और इस वक्त ये जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी मांगे उठाते रहते हैं, कई उनकी मांगे हैं जिसको लेकर आज वो शहरी विधायक प्रमोद विज के कार्यालय पर सुबह सुबह पहुँचे हैं। घेराव इनके द्वारा जो है किया गया है, लगातार ये प्रदर्शन यहाँ पर सुबह से कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका मामला है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं यहाँ पर एकजुट हुए हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अभी तक बताया जा रहा है कि विधायक से इनकी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन सुबह से ही ये विधायक कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन सफाई कर्मचारी करते नजर आ रहे हैं, इनसे एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, कि किस लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको सफाई से हटा दिया गया, ठेके से निकाल दिया गया, इसलिए सर कर रहे हैं। उधर आ जाओ, प्रधान जी प्रधान जी कहाँ काम करते हो आप, आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हो? अच्छा, गोविंदा जी इनको हाँ जी इनको हटा दिया गया, इनको अभी तुरंत ही इनको लेटर जारी कर दिया कि भाई आपको टेंडर कैंसिल हो गया, आपको हटा दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि एकदम से टेंडर कैंसिल हो जाए, ठीक है। ये अब कहाँ जाएंगे, 600-700 लोग हैं और कई हजार परिवार रोटी चल रही है, कई हजार लोगों की रोटी चल रही है इनसे। दोबारा से फिर हटा दिया जाता है। मशीन रखी गई थी, करोड़ों रुपए खर्चा उसका, कहते हैं सफाई ये मशीन करेगी, लगता है वो सफाई मशीन कामयाब है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कामयाबी नहीं है। वो मशीन रोड के ऊपर घूमती जरूर थी, लेकिन उससे कोई ऐसी सफाई नहीं होती थी। यही मैं देखता था रात को, नाइट के अंदर 12 बजे 1 बजे के करीब जब हम कई बार निकलते थे यहाँ से, तो हमारे कर्मचारी बड़े साफ़ सुथरे तरीके से, बड़ी ईमानदारी से साफ पानीपत शहर को साफ़ सुथरा रखते थे। लगता फिर वो करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मेरा नाम कुलदीप है सर। आप भी कर्मचारी हो? हाँ जी, मैं भी एक सफाई कर्मचारी हूँ। क्या समस्या आप? ये सर डीसी रेट पर लग रहे थे जी, इन्हें किसी ने काम करते करते किसी ने 12 साल हो चुके हैं जी, किसी ने 13 साल हो चुके हैं जी, हर तरीके से काम कर रहे हैं जी। आज एटो टाइम प्रमोद विज एमएलए का फोन ठेकेदार के पास गया कि सफाई कर्मचारी को सभी को हटा दिया गया है, ठीक है। पहले आज तक भी किसी एमएलए ने ऐसा नहीं किया, पहली बात प्रमोद विज जिया को मतलब कि दोषी बनाया गया, कुछ भी कहा जी, लेकिन एमएलए का ही इसमें अहम रोल। हमारे जो ठेकेदार है किरसन उड्डा, उसके पास तो प्रमोद विज का ही फोन गया कि आपका काम आज से बंद कर दिया गया है, आपका काम रद्द कर दिया जाए। जो सवेरे हम 8 बजे काम पर गए तो सुपरवाइजर साहब से भी सुपरवाइजर ऐसे बोले कि अपने घर आ जाओ, आपका काम प्रमोद विज जी ने रद्द कर दिया गया। ये बताइए, एक मशीन शहर में लगाई गई है सफाई व्यवस्था को लेकर, कितना उस पर खर्च आता है, क्या वो मशीन कामयाब है? सफाई 75 करोड़ की जो सफाई कर्मचारी, वो जो मशीन है झाड़ू लगाने वाली, वह रोड पर काम नहीं करती सर, वो डिवाइडर पे इतने से पे खाली आधे फुट एरिए की मिट्टी उठाती है, वो सभी वह कामयाब नहीं है जी। शहरी विधायक के कार्यालय के बाहर ये बैठे हुए हैं, धरना इनकी ओर से दिया गया है, प्रदर्शन इनकी ओर से किया जा रहा है, नारेबाजी इनकी ओर से की जा रही है। इनकी समस्या ये है कि मेयर के नीचे होता है कमिश्नर, कमिश्नर ठेकेदार, ठेकेदार इनको काम देता है, हैं? अब ठेकेदार ने इनको हटा दिया है, अब शहर की सफाई व्यवस्था कौन देखेगा? शहर पहले ही इतना नरक है ना, जब से ये सरकार आई है कहीं कोई सफाई नहीं है, कहीं किसी को रोज़गार नहीं है, महंगाई जोरों पे है, ये अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे बताओ, ये राशन पानी देंगे उठा के इनको? एक तो ये सबके घरों की मरे हुए कुत्ते ये उठाएं, मरे हुए जानवर ये उठाएं, हैं? ये तो दफ्तरों में बैठ के ऐश कर रहे हैं, झाड़ू उठाते हैं ना, हैं? ऐसे हम झाड़ू उठा लेंगे सफाई करने के लिए? इतनी तो हमें हिम्मत है। विपक्ष अब सफाई का काम करेगा, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? शहर तो अपना है,
ये लोग अपने हैं, इनको हम रोजगार देंगे। तो भाजपा सरकार भी सबका साथ सबका विकास और सबको रोजगार देने की भाजपा सरकार मोदी साहब पार्लियामेंट में बोलते हैं हम इतने हजार ये इलेक्शन के बाद इतने लाखों नौकरियां देंगे। वो नौकरियां कहाँ से आएंगी? पढ़े लिखे युवक बेरोजगार बैठे हैं ना तुम्हारे सामने क्या? नहीं बैठे, सच्ची बात बता रही है, जितने भी बंदे हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं, इनको बेरोजगार कर दिया। अब ये इनकी रोजी रोटी कमाने का साधन हमें बता दो क्या है? विधायक से बातचीत हुई है? विधायक साहब पता नहीं कहाँ हैं। विधायक साहब चंडीगढ़ जा रहे हैं, उनसे बात क्या बात हुई थी आज? अभी सुबह उनके ऑफिस में से बात हुई थी कि भाई वो कह रहे हैं चंडीगढ़ जा रहे हैं विधायक साहब और कल सुबह हम मिलेंगे। पता नहीं कहाँ है। मैडम मशीन रखी गई है शहर में, कुछ नहीं खर्च किया जा रहा है सफाई को लेकर। सफाई की मशीन तो कोई काम ही नहीं करती, ये काम तो हम ही करते हैं। आप क्या चाहते हो? रोजगार चाहते हो? हम तो रोजगार चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते ना हमें लड़ाई करनी, ना झगड़ा करना, ना हमें प्रदर्शन देने का कोई शौक है। हमें अपना रोजगार चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। विधायक से बातचीत हुई कुछ? विधायक जी कह रहे हैं कि चंडीगढ़ है, कोई कह रहे हैं पता नहीं कहाँ है। यदि आपको काम से निकाल दिया ऐसा निकाल दिया ठेकेदार ने बोले हमारे, अब हम यहाँ पे एमएलए साहब के पास आए हैं हमारी समस्या का समाधान करें। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। अच्छा, क्या नाम आपका? अनिल है। तो देखिए तमाम जो कर्मचारी हैं प्रदर्शन कर रहे हैं शहरी विधायक के कार्यालय के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। काफ़ी रोष प्रशासन के खिलाफ और नेताओं के प्रति इनमें देखने को मिल रहा है। तमाम जो कर्मचारी हैं प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को जितना भी शेयर। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।